नमस्कार मैं हूं अंशली जैन और आप देख रहे हैं द नीलोफर शो एक ऐसा शो जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नीलोफर सफदर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो इस वक्त आई हैं धाबी से यूएई से नीलोफर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में थैंक यू फॉर हैविंग मी हमें सबसे पहले ये बताइए कि जैसे हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में कि हम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाइए प्रश्न पूछते रहिए अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए जैसे कहते हैं कि फल की इच्छा मत करिए कर्म किए जा तो आप इस बारे में हमें और भी बातें बताइए हम तो जानना चाहेंगे मतलब वी लव टू लिसन कि आपने कैसे लोगों को क्योर किया कि वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाए और आगे बढ़े अपने जीवन में सो बेसिकली लाइफ को यही है कि हमें हमारी जो क्रिएटिव कैपेसिटी है उसको टैप करना है तो आप हर क्षण क्या क्रिएट कर रहे हो सो so, इधर आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से जो जैसे आपको चाहिए या फिर आप लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और बहुत सा बहुत बार ये होता है कि हम हमारी पूरी लाइफ होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सो अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपके तो एक बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल और इतना सिंपल तरीका है कि लिटरली मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी और आप अगर इसको नहीं यूज़ करोगे तो आप कुछ नहीं चेंज कर पाओगे और ये सिंपल तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस में रहिए इसको बोलते हैं प्रश्न में रहिए तो दैट मींस कि आप क्वेश्चन पूछिए लेकिन आप इसका आंसर नहीं ढूंढिए जस्ट आप क्वेश्चन में रहिए जैसे लास्ट टाइम हमने uh, दो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे तो मैं आज फिर से वो दो क्वेश्चंस दोहराती हूँ और इसके साथ और कई सारे क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगी जो आप अपनी लाइफ क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं सो so, सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो था इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है सो so, मतलब ये क्वेश्चन आप कभी कुछ आ, अच्छा हो आपके साथ तभी भी आप ये क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं कि और भी बेहतर हो सके या कि वो प्लेस में जाके ना रुक जाए अरे बहुत अच्छा हो रहा है अब कुछ ना कुछ बुरा होगा सो so इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन है और क्या संभव है तो जब आपके साथ कोई भी सिचुएशन होती है चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो चाहे वो बुरी सिचुएशन हो और ये किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि मे बी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है मे बी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि इसका कभी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं, नहीं मिल सकता मे बी आपको कोई ऐसी बीमारी है या बहुत सारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन सम्हाव वो सॉल्व नहीं होती जैसे जो लोगों को आर्थराइटिस होता है वो हमेशा पेन में होते पेन और में हैं और उनके पास बस एक ही तरीका होता है कि गोलियां खाए जाओ या आप इंजेक्शन ले जी, लो जी, तो आप वो जो भी आप कर रहे हैं आप कोई भी चीज़ चेंज मत करिए लेकिन इसके अलावा आप और उसको क्या, साथ क्या में कर सकते हैं आप उसके साथ, साथ में, और में आप उसको कर सकते तो इसके साथ में आप क्वेश्चन में रहिए कि इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है और क्या संभव है जैसे और एक आ, मेरी एक क्लाइंट थी जिन जो सुबह उठी और उनकी जो गर्दन है उसमें मोच आ गई थी और वो बोली कि आ, ऐसे गर्दन हिल नहीं रही थी तो इन्होंने इमीडिएटली क्वेश्चन बोलना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट लाइक अ मंत्रा इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है और क्या संभव है उन्होंने इतना कहा कि और भी बेहतर क्या, क्या हो सकता, हो सकता है, है क्या और हो क्या, हो क्या संभव है, है। लेकिन कंटिन्यूसली इसको रिपीट किया मे बी पंद्रह बीस मिनट तक किया और फिर उसके बाद उनकी गर्दन ठीक हो गई अब बहुत सारी बार ऐसा नहीं होगा कि आपने पंद्रह बीस मिनट तक कुछ किया और वो ठीक हो जाएगा लेकिन धीमे धीमे जो है वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है और आपको थोड़ा थोड़ा चेंज थोड़ा सा बदलाव लगेगा तो जहाँ कोई भी बदलाव हुआ दैट मीन्स कि आप जो कर रहे हो वो काम कर रहा है सो so जैसे मैं मैंने लास्ट वीक चैलेंज दिया था कि आप अगले एक हफ्ते के लिए ये दोनों क्वेश्चंस यूज़ करिए इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है और क्या संभव है और जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस यूज़ करेंगे हर कोई सिचुएशन में अपनी लाइफ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ के सिचुएशंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे और जब आप वो चेंज अपनी लाइफ में देखोगे तब आप और कहीं ना कहीं डॉक्टर जी अभी आपकी बातें सुन के मैं अगर थोड़ा सोचूं कि आ, मैं अभी किसी प्रॉब्लम में हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं अच्छा और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ तो शायद मैं कहीं ना कहीं एक रास्ता ज़रूर निकाल लूँ एग्जैक्टली क्योंकि तब जो है आप आपकी जो सारी क्षमता है वो जाएगी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए ना कि प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करने में तो हमेशा ये होता है कि हमारे साथ चाहे जो भी होता है हम जो है ना उस उसके बारे में कोई डिसीशन कर लेते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और हमेशा यानी जैसे हम पेन की बात कर रहे हैं तो हमेशा मुझे ही क्यों ये पेन होता है और और कितने लोग हैं जिनका जी, कोई जी, जी। लेकिन ये सब सोचने से क्या आपकी लाइफ में पेन चेंज हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है एग्जैक्टली exactly, आप उसको और क्रिएट कर जी, रहे हो क्योंकि जी। हर चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन दोगे आप उसको क्रिएट करोगे क्योंकि आपकी क्रिएटिव ऐसा होता है छोटी सी बात बताऊँ अपने लाइफ के बारे में अक्सर लोगों के साथ है कि हमें अगर कहीं भी दर्द हो रहा है हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है अगर हम उस पे ध्यान देते हैं तो हमें वो दर्द होता रहता है होता रहता है और सडनली अगर हम उस चीज से हट जाएं कि कुछ और करने लग जाए तो हम भूल जाते हैं कि हमें शायद दर्द हो भी रहा था एग्जैक्टली exactly. और और एक बात ये होती है लोगों के साथ कि लोग जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ही लव करते हैं हां मतलब आप जैसे चार दोस्तों में बैठोगे तो सबसे ज्यादा जो क्या डिस्कशन होगा कि प्रॉब्लम्स सबके साथ क्या हो रही है और दूसरी बात ये है कि लोग अपनी Problem, दुनिया के प्रॉब्लम्स भी बहुत डिस्कस करना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जस्ट बोलना बंद कर दीजिए और कुछ नहीं करोगे तो आप देखोगे कि 80 परसेंट आपके जो चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएगी मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सब लोग परेशान होना बंद कर दें कि हाय मुझे ये दिक्कत है और ये मुझे दिक्कत है मतलब आप परेशान ऑटोमेटिकली होना बंद हो जाओगे जब आप उसके बारे में बोलना बंद दोगे जी बिल्कुल मतलब कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर पाएंगे एग्जैक्टली exactly. exactly. और और ये होता है कि जब आपके लाइफ में सिचुएशन अच्छा नहीं है तो अच्छा सोच पाना मुश्किल है लेकिन आप बिल्कुल, अगर बिल्कुल. वो सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे तो क्वेश्चन जो है वो अलग ही आ, मतलब एक अलग फ्रेम कर देता अल, है अब 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 जैसे क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको एक्चुअल में कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप उसको किस तरीके से क्रिएट ये हम जानेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद फ़िलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद निलोफर जी से और भी गुफ्तगू करेंगे और भी जानेंगे कि ज़िंदगी को अपनी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है